देखिए, उपेंद्र कुशवाहा ने जो मुद्दे उठाए हैं उसका जवाब नीतीश कुमार को देना चाहिए, क्योंकि जगताप बाबू ने नवंबर महीने में एक चैनल को साक्षात्कार दिया था जिसमें ये कहा था कि 2023 के प्रारंभ में तेजस्वी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे और नीतीश जी केंद्र की राजनीति करेंगे, और स्वयं नीतीश कुमार ने कहा है कि 2025 का नेतृत्व करेंगे तेजस्वी यादव। तो कोई ना कोई डील तो हुआ है, और दोनों दलों के मर्जर के बारे में भी सहमति बनी थी। ये बात अलग है अगर नीतीश कुमार लालू यादव को फिर एक बार धोखा देने जा रहे हैं, और अगर उपेंद्र कुशवाहा जी ने यह कहा कि जनता दल यू कमज़ोर हो रही है, इसमें गलत क्या है? अगर कमज़ोर नहीं होती जनता दल यू तो गोपालगंज और कुर्दी में चुनाव क्यों हार जाते ये लोग? अगर कमज़ोर नहीं होती तो जनता दल यू को पिछले विधानसभा चुनाव में 44 सीटें क्यों आती? तो अगर कोई पार्टी के भीतर मुद्दा उठा रहा है तो उसका जवाब देना चाहिए, उसको चुप कराने के बजाय। लेकिन नीतीश कुमार में हिम्मत नहीं कि इन बातों का जवाब दे सकें, क्योंकि फिर एक बार वो लालू यादव को धोखा देने जा रहे हैं। इंतज़ार कीजिए लालू यादव के लौट कर आने का। जो डील हुआ है, अगर उस डील के अनुसार नीतीश कुमार ने काम नहीं किया तो उनको मुख्यमंत्री की गद्दी भी उनको छोड़नी पड़ सकती है। सर, सवाल ये है कि उपेंद्र कुशवाहा आने वाले समय में बीजेपी में आना चाहेंगे तो स्वागत है? नहीं, मुझे नहीं मालूम है, चूँकि ये मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं है। इस तरह के मामलों पर राज्य समिति निर्णय नहीं करती है, ये निर्णय केंद्र की समिति करती है। मुझे नहीं मालूम है कि केंद्र इसके बारे में क्या रुख लेगा, वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। मुझे यानी राज्य की इकाई को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं।